एक ओर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े आयोजन के रूप में भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई, तो वहीं बैतूल जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी सभी मुख्यालयों पर बड़ी धूमधाम से भगवान बिरसा मुंडा को याद किया गया। इसका बड़ी संख्या में नजारा बैतूल विधानसभा क्षेत्र के आठनेर ब्लॉक में देखने को मिला, जहां भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर क्षेत्र भर के आदिवासी समाज एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जयंती को क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक निलय डागा, बैंसदेही विधायक धर्मू सिंह सरमसाम के नेतृत्व में लगभग हजारों की तादाद में आदिवासी समुदाय एकत्रित होकर धूमधाम से बिरसा मुंडा जयंती मनाई। वहीं इस मौके पर बिरसा मुंडा के बलिदान को भी याद किया गया। वहीं कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति नृत्य किया गया, तो वहीं आदिवासी नृत्य को करते बैतूल विधायक और भैंसदेही विधायक भी नजर आए। 14 नवंबर 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी के जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि एकत्रित हुए और उन्होंने माला अर्पण किया, और सभी की भावना ये है कि जो देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने खून से इस देश को सींचा, और सभी जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि हम समाज को देश को किस स्तर से हम निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और साथ ही जो असामाजिक गतिविधियां जो हो रहे देश में उसको भी हम सबको अंतर्भाव से सोचना है कि वास्तविक हमारे देश और हमारे समाज और हमारे देश के प्रति क्या हो रहा है, इस बात को भी हमको सोचना और समझना है। आज कई ऐसे जादूगर लोग हैं, तमाम आदिवासी लोगों को, भोले वाले लोगों को तरह तरह के हथकंडे अपना कर अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन सभी समाज वर्ग, सभी जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े हमारे संगठन, आदिवासी संगठन सब जागरूकता की ओर जा रहे हैं, और हर जगह बड़े बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं और उन सभी को जागृत करने का काम कर रहे हैं। मुझे आशा ने पूर्ण विश्वास है हमारे सब जनप्रतिनिधियों के ऊपर, जो समाज को अच्छी दिशा की तरफ निरंतर आगे बढ़ेंगे। जो भी समस्या होगी, जो भी होगी, हम भी हमारे पूर्व बड़े बड़े विद्वानों ने, हमारे शहीदों ने जो खून सींचा, कम से कम हम लोग हमारे समाज को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, चाहे भी हमें खून पसीने की भी जरूरत हो, उनको बहाना चाहिए और हमारे समाज के साथ साथ देश को आगे निरंतर आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे समाज के उत्थान को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं सब के साथ जय हिंद, जय भारत। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।